पाक फौज का तत्तापानी सेक्टर में भारतीय फौज की फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब। अफसर समेत 6 भारतीय फौजियों को जहन्नुम वासिल किया। डीजी आईएसपीआर का कहना है पाक फौज ने भारतीय फौजियों को चौकियों को निशाना बनाया, 2 बंकर भी तबाह किए। भारतीय फौज ने मासूम शहरी आबादी को निशाना बनाया था। भारतीय फायरिंग से 2 मुअम्मर अफराद और 7 साल का बच्चा शहीद हुआ था। काबीना का इजलास, ब्यूरोक्रेट्स और ताजिरों के खिलाफ नैब कार्रवाई रोकने से मुतालिक तजावीज पर कमेटी कायम। परदौस आशिक आवान कहती हैं नैब के खौफ से बिजनेस कम्युनिटी सरमायाकारी नहीं कर रही, ब्यूरोक्रेट्स भी फाइलों को हाथ लगाने को तैयार नहीं। काबीना ने पहाड़ी इलाकों में लोगों को सयाहों के लिए इजाफी कमरे बनाने के लिए कर्जों की मंजूरी भी दे दी। आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर को जेल में 1 लाख देने की दरखास्तें मुस्तरद। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने जेल में मुनासिब सहूलियात फराहम करने की हिदायत कर दी। जरदारी और फरियाल अपने अखराजात पर एसी, फ्रिज, टीवी, अखबार और अटेंडेंट वगैरह रख सकेंगे। दोनों से वकला और अहले खाना की मुलाकातों की दरखास्तें मंजूर। वीडियो स्कैंडल, सुप्रीम कोर्ट का एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक को वापस लाहौर भेजने का हुक्म। जज को यहां रखकर हुकूमती तहफ्फुज़ दिया जा रहा है। वीडियो दिखाने वाले भी वाली वारिस बनने को तैयार नहीं। जज के इस किरदार से जजेस के सर शर्म से झुक गए। चीफ जस्टिस के रिमार्क, केस का फैसला महफूज, 2-3 दिन में सुनाया जाएगा। भारत की आबी जा रही है। दरियाओं में पानी छोड़ने के बाद पाकिस्तान को इतला दी। सतलुज और चनाब में पानी की सतह मुसलसल बुलंद, कई देहात डूब गए। कसूर, झंग, बहावलपुर, लोधरा में सैकड़ों एकड़ पर फसलें तबाह। सतलुज से मुलहका इलाकों में स्कूल खाली, बिजली बंद कर दी गई। मुतासरा इलाकों से लोगों की मुंतकली। रेस्क्यू एहलकार, रेंजर्स और फौज इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। बदीन और दादू में कश्मीरियों के साथ यकजहती के लिए रैलियां, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका के हाथों में बैनर्स और कतबे उठाकर भारत के खिलाफ नारे लगाए। मीरपुर खास में भी रैली निकाली गई। मीरपुर आजाद कश्मीर में सबाहनी सेक्टर में भी भारत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। आर्मी चीफ ने हाजिर सर्विस मेजर की सजा की तौसीक कर दी। आईएसपीआर के मुताबिक अदालत ने करार दिया कि मेजर ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के तहत मुलाजमत से बरतरफी और उम्र कैद की सजा सुनाई गई। पाक फौज में इदारा जाती एहतसाब का निजाम मुतहर्रिक है। क्या मजाक बनाया हुआ आपने कराची को? आप टैक्सेस तो ले रहे हैं। मैं कराची के लोगों को कहता हूँ, कराची के अवाम को कहता हूँ, सिंध गवर्नमेंट को टैक्सेस देना बंद कर दें। अपना टैक्स या तो केएमसी को दें या फेडरल गवर्नमेंट में दें। हम कभी भैरिया से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कभी किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अली जैदी कराची के लोगों से चंदा जमा कर रहे हैं ताकि कराची के मसले हल हों। ये कब तक कराची चंदा जमा करता रहेगा? मेयर कराची का सिंध हुकूमत की सिविल नाफरमानी का ऐलान। वसीम अख्तर कहते हैं कराची वाले सिंध हुकूमत को टैक्स ना दें, पैसा आप पर नहीं लग रहा, टैक्स सिर्फ विफाक या केएमसी को दें। उधर पीपल्स पार्टी का एमक्यूएम और विफाकी हुकूमत से मेयर के बयान का नोटिस लेने का मुतालबा। मुर्तजा वहाब का कहना है वसीम अख्तर नाकाम तरीन मेयर हैं, अवाम से माफी मांगे। पहले गलियां तो हमारी कर दें यार, जो महीने महीने से बच्चे बीमार हो गए, कम से कम उनको तो पहले क्लियर कर दे, फिर रोड कर ले आगे। यार बच्चे परेशान है, बीमार हो गए, अस्पताल जा रहे हैं, 3 मैयते हो गई। जब तक गली मोहल्ले साफ नहीं होंगे, सड़कें साफ नहीं होंगी। कराची में सफाई मुहिम, शहरी फट पड़े। सऊदाबाद के रिहायशियों ने सफाई के लिए आने वाली गाड़ियों को रोक दिया। शहरियों का मौकफ था कि मेयर के आने की वजह से दिखावे के लिए सफाई का काम किया जा रहा है।
पहले सफाई का काम शुरू क्यों नहीं किया गया? गरीब आवाम के लिए सस्ते सफर की मौजें खत्म। पंजाब हुकूमत ने मेट्रो बस के किराए बढ़ा दिए। मेट्रो बस लाहौर और रावलपिंडी का किराया 20 रुपए से बढ़ाकर 30 रुपए कर दिया गया। पंजाब काबीना की मंजूरी के बाद कैबिनेट विंग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्टॉक एक्सचेंज में दूसरे रोज भी तेजी। इंडेक्स 30,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया। 856 पॉइंट इजाफे से 30,419 पर बंद हुआ। उधर इंटरबैंक में डॉलर 14 पैसे महंगा 158.75 रुपए का हो गया। सोने की कीमत भी मजीद बुलंद। फी तोला सोना मजीद 500 रुपए महंगा होकर 88,500 रुपए का हो गया। मिसबाह उल हक की जेर निगरानी कौमी क्रिकेट टीम का प्री कंडीशनिंग कैंप लाहौर में शुरू। 20 में से 14 खिलाड़ियों ने रिपोर्ट कर दिया। यो टेस्ट भी जारी। मोहम्मद रिजवान टेस्ट में सरे फहरिस्त। असद शफीक और शान मसूद ने भी टेस्ट पास कर लिया। हसन अली 27 अगस्त काउंटी खेलने वाले दीगर खिलाड़ी बाद में कैंप ज्वाइन करेंगे। हसन अली जिंदगी की नई इनिंग्स आज से शुरू कर रहे हैं। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर का भारतीय लड़की सामिया से आज दुबई में निकाह हो रहा है। गुज़श्ता रोज रस्म मेहंदी में हसन अली चहकते रहे। दुबई के सहारा में सामिया के साथ फोटो शूट कराया। दोस्तों के साथ खूब हल्ला गुल्ला भी किया। और पुर्तगाल के आलमी शोहरत याफ्ता फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो जमीर की अदालत में अपना मुकदमा हार गए। ज्यादती का इल्जाम लगाने वाली मॉडल को खामोश रहने के लिए $375,000 देने का एतराफ कर लिया। कैथरीन ने गुज़श्ता साल रोनाल्डो पर इल्जाम लगाया था कि उन्होंने 9 बरस कबल उनसे ज्यादती की थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूं सना उस्मान। बुलेटिन का आगाज करते हैं, अहम खबर आपको दें। पाक फौज का तत्तापानी सेक्टर में भारतीय फौज की फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब। अफसर समेत 6 भारतीय फौजी हलाक। DGISBR का कहना है पाक फौज ने भारतीय चौकियों को निशाना बनाया, 2 बंकर भी तबाह किए। भारतीय फौज ने मासूम शहरी आबादी को निशाना बनाया था। भारतीय फायरिंग से 2 मुअम्मर अफराद और 7 साला बच्चा शहीद हुआ था। पाक फौज का तत्तापानी सेक्टर में भारतीय फौज की फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब। अफसर समेत 6 भारतीय फौजी हलाक कर दिए गए। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हसीयत के आर्टिकल 370 का खात्मा भारत के गले की हड्डी बन गया। पाकिस्तान की मौसर सफारतकारी भारत को बैकफुट पर ले आई है। सलामती काउंसिल के बाद पाकिस्तान ने आलमी अदालत इंसाफ का दरवाजा खटखटाने का ऐलान कर दिया। गुज़श्ता रात वज़ीर आज़म इमरान खान ने आलमी रहनुमाओं से राब्ते किए। इमरान खान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड जे ट्रंप और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर एतमाद में लिया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने फ्रांसीसी हम मनसब को फोन करके मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों से आगाह किया। मसला कश्मीर पर होने वाली अहम डेवलपमेंट पर यह रिपोर्ट दी। मैं आज आपकी इस पार्लियामेंट के सामने जिम्मेदारी लेता हूँ इस चीज की। मैं बनूंगा, अब ये समझे कि कश्मीर की दुनिया में आवाज उठाने वाला एम्बेसडर। कश्मीरियों को कर्फ्यू लगा के, सारी इंफॉर्मेशन खत्म करके, एक्स्ट्रा फौज भेज के ये कश्मीरियों की खुशहाली के लिए नरेंद्र मोदी कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान मजलूम कश्मीरियों को हक दिलाने के लिए हर हद पार करने को तैयार। मावन खुसूसी वराए इतलात फिरदौस आशिकवार ने कहा मामला आलमी अदालत इंसाफ में उठाया जाएगा। काबीना इजलास में वज़ीर आज़म ने मकबूजा कश्मीर में आलमी मुबस्सर भेजने का मुतालिबा कर दिया। पाकिस्तान जो है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जस्टिस में इस केस को ले जाने के लिए, वार क्राइम में अगर हिंदुस्तान कर्फ्यू नहीं उठाता और फिर इसी तरह उनकी नस्ल कुशी जारी रखता है टारगेट करके, तो फिर पाकिस्तान लीगल फ्रेमवर्क में कुछ चीजें प्लान कर रहा है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस पे कान धरे और UN मुबस्सरीन वहाँ भेजे जाएं
फिरदौस आशिकाबाद ने कहा, मोदी की कॉल के बाद सदर ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म को फोन करके हकायक मालूम किए। इमरान खान ने अमरीकी सदर से होने वाली बातचीत पर काबीना को एतमाद में लिया। कल सदर ट्रंप और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की गुफ्तगू थी। कश्मीर के हवाले से जो मौजूदा सूरत हाल है, वज़ीर-ए-आज़म ने तफसील से कैबिनेट को उससे आगाह किया और सदर ट्रंप ने मोदी को कॉल करने के बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को कॉल करके वो हकायक जाने जो वज़ीर-ए-आज़म ने उनको बताया कि वादी के अंदर जिनोसाइड करने जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कश्मीर के मामले पर आलमी सतह पर सरगर्म है। गुज़श्ता रात अमरीकी सदर ट्रंप से फोन पर गुफ्तगू की जिसमें भारत के इकदाम से आगाह किया। उसके बाद अमरीकी सदर ने ट्वीट की कि उनका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और नरेंद्र मोदी से राबता हुआ जिसमें कश्मीर के मामले पर तनाव में कमी पर बात हुई। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने बताया, वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी सदर पर वाज़े किया कि 5 अगस्त के भारतीय इक़दामात ने खत्ते को खतरात से दोचार कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म सदर ट्रंप का इस सूरत हाल में दिलचस्पी लेने, राबता रखने और इस मसले को खुश असलूबी से हल करने के लिए जो वो काविशें कर रहे हैं उनका शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म से सऊदी वली अहद ने भी राबिता किया जिसमें मकबूजा कश्मीर पर तबादला ख्याल किया गया। इमरान खान ने कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल से शहजादा मोहम्मद बिन